दोस्तों, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीसरा कलर, अपाची आरटीआर 162V का। और ये 2022-2023 मॉडल है, मतलब 2023 के मिड तक, जून जुलाई तक कोई भी नया अपडेट इसमें नहीं आएगा। ऑलरेडी कंपनी ने बहुत सारे अपडेट इसमें कर दिए हैं, बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। तो आपके सामने मैट ब्लू कलर हाजिर है, काफ़ी खूबसूरत कलर है और इसको लेके भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वाइट और ब्लैक के बाद मैट ब्लू पे लोग सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको वाइट कलर या फिर ब्लैक कलर देखना है तो ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिएगा, मैंने रिव्यू कंप्लीट कर दिया है। और शोरूम पे जितने भी कलर अवेलेबल होंगे वो एक एक करके सारे कलर आपको मैं दिखाऊंगा। फटाफट इसके बारे में जानते हैं कि कितना ऑन रोड प्राइस पड़ेगा इसका, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, माइलेज कितना मिलेगा 2023 में, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और आपसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शुरुआत में ही मैं आपको इसकी प्राइस बता दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है इसके तीन वेरियंट आपको मिलते हैं, जिसमें एक ड्रम मॉडल होता है, एक डिस्क मॉडल होता है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क लगे होते हैं, और तीसरा सबसे टॉप मॉडल होता है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। तो ये सेकंड टॉप है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क मिलता है लेकिन आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। तो प्राइस भी इसका कम है टॉप मॉडल से। अभी आप इसका मेन हेडलैम्प देख रहे हैं, जो कि फुली एलईडी हेडलैम्प कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। पहले यहाँ पे हैलोजन बल्ब हुआ करता था, लेकिन अब इसके DRL और इसका मेन हेडलैम्प दोनों आपको LED मिलता है, जिसका उजाला काबिले तारीफ है। जैसे आपको 164V का उजाला मिलता है ना, वैसे उजाला इसमें भी मिलेगा। साइड इंडिकेटर्स आप देखिए, आपको जो साइड इंडिकेटर्स मिलते हैं इनकी डिज़ाइन भी कंपनी ने चेंज कर दी है। चेंज नहीं, मतलब जो 4V में आता था वही वाला आपको साइड इंडिकेटर लगाकर कंपनी देती है। आगे का फेंडर देखिए, जो ग्राफिक इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो स्टिकर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो पहले से बदल चुके हैं। और ये सच बात है कि मुझे पुरानी वाली जो अपाची थी उसके स्टिकर कतई अच्छे लगते थे इस वाले से। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा। अभी आप आगे वाला डिस्क इसका देख रहे हैं, जिसकी साइज़ की मैं बात करूँ तो ये आपको 270 mm का डिस्क है, और आगे आप ABS की ब्लैक कलर की चैन भी देख रहे हैं। तो ये जो चैन है ये सिर्फ आगे वाले डिस्क पर है, पीछे वाले डिस्क पर नहीं है। इसमें मतलब आपको सुपर मोटो का सिंगल चैनल ABS मिलता है, और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप डुअल डिस्क लेते हैं तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर डुअल ABS भी होता तो और मज़ा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, आगे वाला जो टायर मिलता है वो आपको 90x90 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे जो सस्पेंशन लगा हुआ है ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलेगा। तो सस्पेंशन क्वालिटी पहले की तरह ही है, इसमें कोई भी बड़ा बदलाव कंपनी ने नहीं किया है। इसके बाद जैसे हम इसके हैंडल बार और मीटर कंसोल पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेम मिलेगा, जैसा कि पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है, जो कि पहले ही कंपनी प्रोवाइड करती थी। इसमें कोई भी बड़ा बदलाव कंपनी नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके राइट हैंड साइड पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बदलाव दिखेगा, जिसमें आपको रेड कलर की इंजन किल स्विच और उसके नीचे आपको मोड स्विच मिलता है। और ये मोड स्विच नया बदलाव है, क्योंकि इसमें अब आपको तीन मोड मिलते हैं, अर्बन, रैन एंड स्पोर्ट मोड। तीन अलग अलग मोड हैं और तीनों में आपको पावर वगैरह अलग मिलेगी। अर्बन और रैन मोड में सेम पावर मिलेगी, लेकिन स्पोर्ट मोड में आपको सबसे बेहतरीन पावर इस बाइक के द्वारा मिलेगी। अभी इसका मीटर कंसोल मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मीटर कंसोल आप देखिए, जो कि अब फुली डिजिटल हो चुका है। पहले यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन कंपनी प्रोवाइड करती थी, अभी फुली डिजिटल है, क्योंकि यही कंसोल आपको अपाची आरटीआर 164V में मिलता था, वही कंसोल कंपनी ने यहाँ पर लगाकर आपको दे दिया है, जिसमें इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बस टॉप मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी मिल जाता है, लेकिन ये आपको सेकेंड टॉप या फिर बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्राइस का काफ़ी फर्क है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं प्राइस आपको लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप एक डिसाइड कर पाएं कि आपको कौन सा वेरिएंट इसका लेना चाहिए। और दूसरी बात यह कि देखिए, जो मीटर कंसोल है इसमें जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो बेस मॉडल हो या सेकंड टॉप मॉडल हो, वो इस बाइक के हिसाब से सफिशियंट है। मुझे नहीं लगता कि मतलब गियर पोजिशन इंडिकेटर अगर नहीं है तो बाइक में बहुत बड़ी कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो पट्टी आप पूरी देख रहे हैं ग्राफिक की, ये भी पहले से चेंज हुई है,
और रेसिंग सिंस 1992 आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक जो है ये 12 लीटर का ही है, इसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है, ठीक है। आगे आपको 3D एमल्ड में हॉर्स का मतलब 3D लोगो मिल जाएगा और उसके नीचे RTFI आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो फाइबर है ये अलग से कंपनी ने चिपका दिया है। आप देखेंगे जो आगे फ्यूल काउल है उसके जस्ट नीचे आपको ब्लैक कलर का ये RTFI लिखा हुआ फाइबर कंपनी चिपका कर दे रही है। ये इसके लुक को साइड से काफ़ी इन्हेंस कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फालतू में है, क्योंकि यार ये अगर टूटा ना तो फिर लुक खराब होगा और खर्चा वाकई में बढ़ जाएगा फालतू में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके इंजन पे हम फोकस करते हैं। तो ये जो इंजन आप देख रहे हैं 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, 159.7 यानी कि 159.7 सीसी का इंजन है और मैक्स पावर आपको अर्बन और रैन मोड में 13.32 PS की मिलेगी 8000 RPM पे। और जैसे ही आप इसको स्पोर्ट मोड में बदलेंगे पावर बढ़ के 16.04 PS की हो जाएगी, है ना कमाल की चीज़, लेकिन 8750 RPM पे। और ऐसे ही आपको अर्बन और रैंड मोड में जो टॉर्क मिलेगा वो 12.7 Nm का और स्पोर्ट मोड में 13.85 Nm का। तो पावर और टॉर्क बहुत बढ़िया है। पांच ही गियर आपको मिलते हैं, छठा गियर अभी कंपनी नहीं दे रही है, और छठा गियर आ जाता तो और मज़ा आता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पांच गियर में भी आप स्मूथ राइड महसूस करेंगे। और रही बात वाइब्रेशन वगैरह की, तो मैं आपको बता दूं अभी भी आपको इसमें वाइब्रेशन मिलेगा जैसा पहले मिलता था, उससे बहुत हल्का सा कम हुआ है। सीटिंग कम्फर्ट इसके बाइक का बहुत अच्छा है, अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यूज टू होना पड़ेगा। यह पीछे का टेल लैम्प जो कि आपको काफ़ी खूबसूरत मिलता है, इसकी डिज़ाइन भी कंपनी ने चेंज कर दी है, इसका लुक वगैरह थोड़ा सा इसका चेंज हुआ है, काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से ये बाइक। बस मुझे इस बाइक में जो अच्छा नहीं लगा वो इसका ग्राफिक, जो कि पहले जो आती थी अपाची RTR 162V, उसका ग्राफिक उसका स्टिकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा था इस वाली से। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम पीछे वाले प्रोफाइल पे हैं, तो पीछे जो आपको डिस्क मिलता है इसकी साइज 200 mm की है, और अगर आप बिना डिस्क वाला लेते हैं इसका बेस मॉडल तो 130 mm का ड्रम ब्रेक लगाकर कंपनी आपको दे देगी। पीछे जो आपको टायर मिलता है वो 110/80 का है और 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है, लेकिन जैसे ही आप जो है इसका ब्लूटूथ मॉडल लेते हैं तो पीछे वाला टायर 120/70 का हो जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मतलब हल्की सी चौड़ाई उसकी बढ़ जाएगी। और जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं पीछे वाला, ये आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड सॉक्स विद स्प्रिंग एड सस्पेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काबिले तारीफ है। आप इस बाइक को खंडहर जैसे रोड्स पे भी चला सकते हैं, बाइक नीचे से नहीं लड़ेगी। इस बाइक की ऊंचाई 1105 mm है, सीट हाइट इसकी 790 mm है, तो अगर आपकी हाइट मीडियम है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। बहुत कम हाइट है तो लेने से पहले टेस्ट राइड ले लीजिएगा, टेस्ट राइड का कोई पैसा नहीं लगता है। इस बाइक में जो माइलेज आपको मिलेगा, अगर आप अच्छे से सहूलियत से सराफत से चलाते हैं तो आप 45 के ऊपर का माइलेज निकाल सकते हैं। अगर आप गंदे तरीके से चलाते हैं और आपकी राइडिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप 40 तक लुढ़क जाएंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने इसका टायर्स, ब्रेक, सस्पेंशन, इंजन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं इसके प्राइस पे फोकस करते हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि अगर आप इसका जो है बेस मॉडल लेते हैं तो 117,000 के करीब उसकी एक्सोरूम प्राइस है। अब हम बात करेंगे इसकी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेकंड टॉप यानी कि मिडल सेगमेंट, जिसमें आपको डुअल डिस्क मिलता है आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क, इसकी एक्सोरूम प्राइस इस समय 121,290 रुपये है, वल्लाक 21,290 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस के लिए आप अपना जो बजट रखेंगे वो रखेंगे 145,000 से 150,000 के बीच में, वल्लाक 45,000 to 150,000 तक अगर आप अपना बजट रखते हैं तो इसका यही सेम मॉडल आप ले सकते हैं। और अगर आपको लेना है इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मॉडल तो उसमें आप लगभग 3,000 से 4,000 रुपये और ऐड कर दीजिएगा, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मॉडल मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स हो गए होंगे क्लियर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम ID @DavidRahulGR या RideTono पे फॉलो करके मैसेज करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।